टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मेघालय के बाद त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कपिल सिब्बल ने लॉन्च की वेबसाइट इंसाफ के सिपाही, कहा गैर बीजेपी मुख्यमंत्री से जुड़े जिससे गुलामी खत्म हो। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट की नड्डा से मुलाकात, बीजेपी को जानो अभियान के तहत भाजपा मुख्यालय में हुई बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने दिया मानहानि का दावा, सीएम बोले घपलेबाज को मिनिस्टर बनाया। पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के ओवैसी बोले वसीम की बदकिस्मती है कि उसका नाम वसीम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा संघ परिवार, 2024 में 80 के लक्ष्य पर बनेगी रणनीति। यूपी बीजेपी संगठन की बैठक, भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर नई टीम को लेकर अंतिम चर्चा। एसटीएफ ने तत्कालीन एयरपोर्ट अधिकारी से की पूछताछ, अब्बास अंसारी की असलहों को दी गई थी बिना जांच के कस्टम क्लियरेंस। बोलिया शबे बारात को लेकर अलर्ट, हुड़दंगई पर ड्रोन से नजर, लखनऊ में बदला रहेगा यातायात। काशी में जलती चिताओं की राख से होली, 100 डमरू की डमडम के साथ शुरू हुआ, बाबा मसान नाथ को चढ़ाई गई शराब। गांबिया में बच्चों की मौत का भारतीय सिरप से कनेक्शन, दवा में जहर मिलने से पदार्थ से किडनी खराब हुई, अमेरिकी रिपोर्ट ने किया दावा। बेल्जियम में 5 बच्चों को मारने वाली मां को इच्छा मृत्यु, मौत के लिए बच्चों की हत्या वाली तारीख चुनी। कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान, 13 शहरों में इमरजेंसी, 70,000 घरों की बिजली गुल, अगले 48 घंटे बर्फबारी की चेतावनी। राहुल गांधी का सरकार पर आरोप, कहा सरकार से सवाल करने वाले पर हो रहे हमले, बीबीसी का दिया उदाहरण। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने पीएम प्रचंड के खिलाफ याचिका दर्ज करने का दिया आदेश, एक दशक पुराना है मामला। मुंबई ने 143 रन से जीता डब्ल्यूपीएल का पहला मैच, गुजरात जॉइंट्स को 64 पर समेटा, आईपीएल की सबसे बड़ी जीत भी इंडियंस के नाम। रोहित शर्मा ने माना नाथन लियोन की गेंदबाजी का लोहा, कहा मेरी राय में लियोन की शीर्ष पर होना चाहिए। हार के बाद दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान, बोले ऑस्ट्रेलिया से मिली हार ने खोली टीम इंडिया की बोल। ईरानी कप में यशस्वी जायसवाल ने चमत्कारी बल्लेबाजी से टीम इंडिया का खटखटाया दरवाजा, कई पारियां खेली बनाया नया रिकॉर्ड। बाबर आजम की बुराई पर भड़के तनवीर अहमद, कहा शाहीन अफरीदी के लिए हो रही है उसके खिलाफ साजिश। पठान ने रचा इतिहास, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा, सिर्फ 38 दिनों में 6 साल पुराने रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। श्रद्धा कपूर ने एयरपोर्ट पर लगाए ठुमके, पेप्रोजी के साथ तू झूठी में मक्कार के गाने पर किया डांस, काटा केक। इस साल बाद फिर साथ हुए करीना कपूर के मम्मी पापा, पत्नी बबीता के साथ रहने के लिए रणधीर कपूर ने बांद्रा में खरीदा घर।
अक्षय कुमार ने घाघरा पहनकर नोरा के साथ किया डांस, वीडियो देख लोग बोले अब फिल्मों से पैसे नहीं आ रहे तो ऐसे ही कमाओ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक्टर दिलीप जोशी को नहीं मिली जान से मारने की धमकी, बोले ये बिन सिर पैर की बात है। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।